गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पेरिसाइक्लिक में आज हम लोग थ्योरीज फॉर एक्सप्लेनेशन, जो हम लोग हमेशा हेडिंग डालते थे किसी भी प्रोसेस को शुरू करने से पहले, चाहे इलेक्ट्रोसाइक्लिक शुरू करें या साइक्लो एडिशन चालू शुरू करें, हम लोगों ने हेडिंग डाली थी थ्योरीज फॉर एक्सप्लेनेशन। और वो थ्योरीज होती थी एफएमओ अप्रोच, डेवार्स पीएमओ अप्रोच और वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम मेथड। इनमें से दो अप्रोच दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है डेवार्स पीएमओ अप्रोच एंड वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम मेथड। ये दोनों अप्रोच मैं आज आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, जिनमें से पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ डेवार्स पीएमओ अप्रोच। डेवार्स PMO अप्रोच, ठीक है। देखो डेवार्स PMO अप्रोच क्या होती है, इसको आप समझिएगा। डेवार्स PMO अप्रोच में हम ये कहते हैं कि डेवार्स ये कह गया कि आप रिएक्शन के दौरान जो भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसकी नेचर को पता कीजिए कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। क्लियर। तो डेवार्स PMO अप्रोच ये कहता है आइडेंटिफाई the nature of cyclic transition state that is formed during the reaction, identify the nature of cyclic transition state that is formed during the reaction, ठीक है। जब भी कभी आप cyclic transition state की nature को identify करेंगे, तो वो cyclic transition state या तो aromatic होगी या फिर anti aromatic होगी। क्लियर। मैंने कहा ये जो cyclic transition state का नेचर हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट या तो एरोमेटिक होगी या फिर एंटी एरोमेटिक होगी। तो मैंने कहा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट या तो एरोमेटिक है या फिर ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंटी एरोमेटिक है। ये कहा उसके बाद उसने कि अगर ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक है देन द प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक है तो उसने कहा जिस भी प्रोसेस से ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है वो प्रोसेस थर्मली अलाउड है। ये लीजिए, प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। और उसने कहा अगर बनने वाली साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंटी एरोमेटिक है तो जिस भी प्रोसेस से ये एंटी एरोमेटिक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है वो प्रोसेस फोटोकेमिकली अलाउड है। तो यहां कहा गया प्रोसेस इज फोटोकेमिकली अलाउड और यहां कहा गया प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। हियर प्रोसेस इज थर्मली अलाउड, हियर प्रोसेस इज फोटोकेमिकली अलाउड। ये इस तरीके से उसमें कहा गया। अब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की नेचर को आइडेंटिफाई करते कैसे हैं, ये चीज हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जिसको कहा गया एरोमेटिक, जिसको कहा गया एंटी एरोमेटिक, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कैसे कही जाती है, अब मैंने आपसे ये डिस्कस करना है। यानी अब हमारी हेडिंग क्या बन गई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की नेचर को हम आइडेंटिफाई करते कैसे हैं, अब मैं आपको ये सिखाता हूं, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। मैं आपको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की नेचर को आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं। देखो भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखिएगा।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। देखिए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की नेचर को आइडेंटिफाई करते कैसे हैं, अब मैं आपसे वो डिस्कस करता हूं। देखो देवार्ष ने ये कहा कि जब भी कभी आपको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की नेचर को आइडेंटिफाई करना है, उससे पहले आप पहले पता करो कि एक्चुअली ये सिस्टम कौन सा है, सिस्टम 4n है या सिस्टम 4n प्लस 2 है। तो पहली स्टेप उसने कही, स्टेप 1, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिस्टम। उसने कहा सबसे पहले आप सिस्टम आइडेंटिफाई कीजिए, ये सिस्टम या तो 4n होगा या 4n प्लस 2 होगा। ये हुआ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिस्टम, या तो वो 4n है या फिर वो 4n प्लस 2 है। क्लियर? जब सिस्टम आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके बाद उसने ये कहा कि जो भी आपको सिस्टम दिया गया है उसका कोई सा भी एरे सेलेक्ट कर दो, साई वन से लेके साई एन तक। उसके पास बहुत सारे एरे होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4π इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो हमारे पास साई वन, साई टू, साई थ्री एंड साई फोर होगा। हमारे पास 6π इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो हमारे पास साई वन से लेके साई सिक्स होगा। हमारे पास 8π इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो हमारे पास साई वन से लेके साई एट होगा। तो कोई भी आप एरे सेलेक्ट कर सकते हो साई वन से लेके साई एन तक। डिवार्स ने कहा अगली स्टेप ये होती है। तो स्टेप टू, सेलेक्ट एनी एरे ऑफ पी ऑर्बिटल, यानी साई वन से लेके साई एन तक आप कोई सा भी एरे सेलेक्ट कर सकती हैं। सेलेक्ट एनी एरे ऑफ पी ऑर्बिटल, है ना, आप कोई सा भी एरे सेलेक्ट कर सकती हैं। अगला स्टेप उसने ये कहा कि जब आप कोई सा भी एरे पी ऑर्बिटल का सेलेक्ट कर चुके हो, उसके बाद आप प्रोसेस अप्लाई करो, आप करवाना क्या चाहते हो। क्लियर? तो मैंने कहा अप्लाई प्रोसेस, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अप्लाई प्रोसेस। अप्लाई प्रोसेस का मतलब है या तो आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोसाइक्लिक या आप कर रहे हो साइक्लो एडिशन या आप कर रहे हो सिग्मा ट्रॉपिक, कुछ भी कर रहे हो यार, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर? तो ये कहा गया कि माना हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ोगे, उसके प्रोसेस अप्लाई करोगे। और ध्यान से समझना, देखो आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ रहे हो मान लो, तो आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के प्रोसेस अप्लाई करोगे। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के दो प्रोसेस होते हैं, हमें पता है रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग, या तो होती है कॉनरोटेटरी से या होती है डिसरोटेटरी से। तो वो कहता है अगर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का केस है तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, या तो कॉनरोटेटरी या डिसरोटेटरी। तो आपका प्रोसेस हो गया या तो कॉनरोटेटरी या फिर डिसरोटेटरी। ये लीजिए, या तो आपका मोशन कॉनरोटेटरी हो गया या फिर आपका डिसरोटेटरी हो गया। मान लीजिए आपने कॉनरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग कर दी, मान लीजिए कॉनरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग करने के बाद ये कहता है डेवास, कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड। वो कहता है नंबर ऑफ नोड को कैलकुलेट कीजिए। जब नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट होगी तो फिर यहां दो संभावनाएं आएगी, या तो नंबर ऑफ नोड जीरो या इवन आएगी, या नंबर ऑफ नोड ऑड आएगी। बहुत ध्यान से समझना, या तो नंबर ऑफ नोड कैसे आएगी, जीरो या इवन, या फिर नंबर ऑफ नोड आएगी। और उसने कहा यदि नंबर ऑफ नोड जीरो या इवन है, यदि नंबर ऑफ नोड जीरो या इवन है तो
तो वो कहता है हकल को याद करो, किसको याद करो, हकल्स को। और अगर नंबर ऑफ नोड ऑड में है तो वो ये कहता है मोबियस को याद करो। किसे याद करना है? मोबियस को। अब हकल क्या बोलकर गया? सारी दुनिया जानती है हकल क्या बोलकर गया। हकल ये बोलकर गया कि यदि सिस्टम 4n+2 है तो ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक है, और अगर 4n सिस्टम है तो ट्रांजिशन स्टेट एंटी एरोमेटिक है। हकल ये बोलकर गया अगर सिस्टम 4n+2 है तो ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक है, यदि सिस्टम 4n है तो दी गई ट्रांजिशन स्टेट एंटी एरोमेटिक है। ये लीजिए, ये हकल महाराज बोलकर गए। अब हकल महाराज अगर ये बोलकर गए तो बताइए मोबियस महाराज क्या बोलकर गए? तो ऑब्वियसली मोबियस वो तो बोलने से रहा जो हकल बोलकर गया, वरना मोबियस को कौन जानता? जो पहले बोलता है दुनिया उसी को जानती है। क्लियर? मोबियस ने जरूर हकल से उल्टा बोला होगा तभी तो उसे जाना गया। तो मोबियस ही बोलकर गया कि नहीं, गलत बात, अगर सिस्टम 4n है तो एरोमेटिक होगा और 4n+2 है तो एंटी एरोमेटिक होगा। उसने उल्टा बोल दिया। जब नंबर ऑफ नोड ओड में आती है तो मोबियस के अनुसार चलोगे, अगर इवन में आती है तो हकल के अनुसार चलोगे। और ये लीजिए, यही तो अपनी हेडिंग है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। लो भैया, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको पता लग गई। अगर नोड जीरो या इवन है तो कब एरोमेटिक, कब एंटी एरोमेटिक, अगर नंबर ऑफ नोड ऑड है तो कब एरोमेटिक, कब एंटी एरोमेटिक। आ गई बात समझ में? अब आप देखिएगा, अगर मान लीजिए आपने मोशन कौन रोटेटरी नहीं करवाया बल्कि डिसरोटेटरी करवाया, ये लीजिए मोशन क्या है, डिसरोटेटरी मान लीजिए, तो डिसरोटेटरी के बाद भी सब कुछ वो का वही है। ये कहा जाता है कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ नोड को कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करने के बाद वही दो संभावनाएं आएंगी आपके पास, दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो नंबर ऑफ नोड जीरो या इवन आएंगी, या फिर नंबर ऑफ नोड ऑड आएगी। याद रखना, यदि नंबर ऑफ नोड जीरो या इवन आती है तो आप हकल के अनुसार चलोगे, और अगर नंबर ऑफ नोड ऑड आती है तो आप मोबियस के अनुसार चलोगे। और भैया ये हकल क्या बोलकर गया और मोबियस क्या बोलकर गया, ये सब कुछ वही चीज है जो मैंने यहां लिखी है। हकल जो बोलकर गया यहां लिख दीजिएगा, मोबियस जो बोलकर गया वो यहां लिख दीजिएगा। ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक के ऊपर डेवार्स पीएमओ अप्रोच खत्म। अभी काम में लेके सिखाता हूं मैं आपको। अब मान लीजिए आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक पर अप्लाई नहीं कर रही है, मान लीजिए आप ये साइक्लो एडिशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम लोग साइक्लो एडिशन के ऊपर डेवार्स पीएमओ अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं अगर ये साइक्लो एडिशन के ऊपर डेवार्स पीएमओ अप्रोच अप्लाई हो रही है तो साइक्लो एडिशन तो बहुत प्रकार के प्रोसेस से होता भी है, कई प्रकार के प्रोसेस है साइक्लो एडिशन के, तो सुप्रा सुप्रा है, एंट्रा एंट्रा है, सुप्रा एंट्रा है, एंट्रा सुप्रा है। तो डेवार्स कहता है कराओ, कुछ भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहता है फ्री हो आप, आपकी इच्छा है वो कुछ भी कराओ, पर करवाओ तो सही, कम से कम बैठे मत रहो, करवाओ। यानी साइक्लो एडिशन वो कहता है किसी भी मेथड से करवाओ, वो कहता है सुप्रा सुप्रा करा लो कोई दिक्कत नहीं, वो कहता है एंट्रा एंट्रा करवा लो कोई परेशान नहीं, वो कहता है सुप्रा एंट्रा करवा लो बिल्कुल, और वो कहता है एंट्रा सुप्रा करवा लो कोई दिक्कत नहीं। ये आपने साइक्लो एडिशन के प्रोसेस अप्लाई कर दिए, ये लीजिए। अब इधर देखिएगा, वहां प्रोसेस थे कॉन रोटेटरी एंड डिसरोटेटरी, यहां प्रोसेस हो गए सुप्रा सुप्रा, एंट्रा एंट्रा, सुप्रा एंट्रा, एंट्रा सुप्रा। यही तो पता करना है ना कि ये थर्मल में होंगे या फोटोकेमिकल में होंगे, 4n सिस्टम या 4n+2 सिस्टम में, करेक्ट। चलिए आपने यहां पर ये कर लिया है ना, सुप्रा सुप्रा, एंट्रा एंट्रा, सुप्रा एंट्रा, जो भी है सब कर लिया। फिर उसने ये कहा, जब आप ये प्रोसेस कर चुके हैं तो देखो इधर, कैलकुलेट
नोड। फिर ये कहा गया नोड कैलकुलेट कीजिए। जब आप नोड कैलकुलेट करेंगे तो आगे की कहानी वही होगी, या तो नोड जीरो या इवन होगी या फिर ऑड होगी। अगर जीरो या इवन है तो हकल, और अगर ऑड है तो मोबियस। हकल के अकॉर्डिंग एक तरफ, मोबियस के अकॉर्डिंग। अगर हकल के अकॉर्डिंग हकल के नियम, मोबियस है तो मोबियस के नियम। याद रखना, अगर एंट्रा एंट्रा है उसके बाद भी नंबर ऑफ नोड वगैरह की सारी कहानी वही रहेगी, इसमें भी सारी कहानी आगे की वही रहेगी, और इसमें भी आगे सारी कहानी वही रहेगी। जैसे वर्ड बोला जाएगा ना कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड, आगे की संख्या, आगे की सारी कहानी वही रहेगी। नंबर ऑफ नोड या तो जीरो या इवन होंगे या ऑड होंगे। जीरो या इवन होंगे तो हकल को याद कर लेना, ऑड आने पर मोबियस को याद कर लेना। हकल ये बोल कर गया 4n + 2 एरोमेटिक होता है, 4n एंटी एरोमेटिक होता है, और मोबियस हकल से बिल्कुल उल्टा बोल कर गया, सब कुछ वही चलता है। अब आ जाओ भैया, मान लीजिए आपने साइक्लो एडिशन भी नहीं करवाया बल्कि आपने सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन करवा रही हो, लीजिए कोई परेशानी नहीं। अगर सिग्मा ट्रॉपिक है तो भैया यहां पर प्रोसेस दो प्रकार के बोले हैं, दो प्रकार के प्रोसेस सिग्मा ट्रॉपिक के अंदर बोले गए हैं, एक सुप्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट और एक एंट्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट। ये लीजिए, एक सुप्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट के लिए बोला जा रहा है क्योंकि कार्बन की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, बिकॉज कार्बन तो दोनों साइन लेके चलता है, वो तो हर प्रकार से सुप्राफेसियल आ सकते हैं, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं सुप्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट की। सुप्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट एंट्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट, ये लीजिए आपने प्रोसेस अप्लाई कर दिया सिग्मा ट्रॉपिक में, एक बार सुप्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट और एक बार एंट्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट, ये आपने कर दिया अप्लाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब आप सुप्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट कर चुके हो अप्लाई, फिर ये कहा जाता है जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड्स। और जैसे आप नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करेंगे आगे की सारी कहानी बिल्कुल वैसे ही, या तो नंबर ऑफ नोड जीरो या इवन है या फिर ऑड है। अगर जीरो या इवन है तो कहा जाता है हकल्स को यूज में लीजिए, और अगर ऑड है तो मोबियस को यूज में लीजिए। अगर हकल है तो हकल के नियम लगा दो, मोबियस है तो मोबियस के नियम लगा दो। और यहां पर भी सेम वही चीज है, जब आप एंट्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट करवा चुके हो तो उसके बाद में सारी कहानी वही, कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स के बाद सारी कहानी वो की वही है, जीरो या इवन, ऑड, हकल, मोबियस, सब कुछ वैसा का वैसा। लीजिए ये मैंने आपको सारा डेवार्स पीएमओ अप्रोच ए से लेके जेड तक सारी रूपरेखा सब यहां बता दी है, सब सिखा दी है। ये कहानी होती है, मैं हर बार ये चीज अलग अलग लिखा था, मैंने एक साथ आप लोगों को बता दिया, अब मुझे केवल इसकी प्रैक्टिस करवानी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार सर देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, अब मैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूं मैं आप लोगों को। देखो भाई, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के ऊपर हम ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के ऊपर ये अप्लाई करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। देखो भाई, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर ऑलरेडी हमें रिजल्ट्स तो पता ही है। जब ऑलरेडी रिजल्ट्स पता है तो पहले वो रिजल्ट्स तो साइड में लिख के चल रहे हैं। देखो भाई, हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में, हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में ऑलरेडी ये जानते हैं जो एफएमओ अप्रोच से प्रूव किया जा चुका है कि 4n सिस्टम या 4n + 2 सिस्टम में थर्मल कंडीशन में
फोटोकेमिकल कंडीशन में रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग कैसे कैसे होती है, यहाँ कौन रोटेटरी होता है और ये लीजिए यहाँ डिसरोटेटरी होता है, और इधर 4n+2 यहाँ डिसरोटेटरी होता है और यहाँ कौन रोटेटरी होता है, बताइए। ये रिजल्ट ऑलरेडी पता है हम लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इन रिजल्ट्स के अंदर, तो क्लियर। अब मैं तो केवल ये प्रूव करूंगा कि हाँ ये रिजल्ट्स अपन डेवास पीएमओ अप्रोच से भी ऑप्टेन कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही रिजल्ट देता है, क्लियर। उसके लिए मैंने एक सिस्टम लिया, सपोज मैंने सिस्टम ये लिया, दैट इज 1,3-diene, ये लिया, इस पर अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो पहले तो ये बताओ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिस्टम। तो आप कहोगे पर ये सिस्टम 4π इलेक्ट्रॉन का है, और 4π इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, दैट इज 4n सिस्टम हो गया, ये 4n सिस्टम हो गया। आगे बात समझ में, क्लियर। अब आप ये बताइए 4π इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसमें साई 1 से लेके और साई 4 तक सभी प्रकार के एरे हैं। अब आप बताइए कौन सा एरे लेना चाहते हैं। मैंने कहा सेलेक्ट एनी एरे ऑफ पी ऑर्बिटल, आप एरे ऑफ पी ऑर्बिटल कोई सा भी ले सकते हो साई 1 से लेके साई n तक का। मैंने क्या बोला, साई 1 से लेके साई n तक का, यानी साई 1 से लेके साई 4 तक का आप कोई सा भी एरे सेलेक्ट कर सकते हो इन द केस ऑफ दिस, है ना। तो यहां पर मान लीजिए मैंने साई 1 से लेके साई 4 तक में साई 1 ही सेलेक्ट किया, ये लीजिए कोई खास बात नहीं है, साई 1 सेलेक्ट कर लिया, साई 1 क्यों लिया, आसान होता है, आप एक भी नोड लिए थे साई 1 में, क्यों दिमाग लगाए। और फिर आपने, मैंने ये लिखवाया कि आप इस पर अप्लाई करो कोई प्रोसेस, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस कर रहे हैं, ये लीजिए मैं पहले आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक सिखा रहा हूं, तो मुझे ये बताइए इलेक्ट्रोसाइक्लिक के अंदर यहां पर आप कौन सा प्रोसेस करा सकते हो। माना आपने कौन रोटेटरी करवाया, कैसे करवाया, कौन रोटेटरी, ठीक है भाई। जैसे आप कौन रोटेटरी करवाओगे, ये लीजिए ये एक ही डायरेक्शन के अंदर घूमेगा, तो देखो ध्यान से देखना, पहले से एक भी नोड नहीं है साई 1 में, लेकिन जैसे आप कौन रोटेटरी करवाते हैं देखो क्या हो जाता है, ये लीजिए ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, और यहां हमें एक नोड नजर आती है, बाकी पहले से कोई भी नोट नहीं थी। तो जैसे ही आप कौन रोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग करवाते हो, आपको यहाँ एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन नजर आती है, यानी आपको यहाँ एक नोड मिलती है, ये लीजिए एक नोड आपको मिली इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। पहले से कोई भी नोड नहीं थी, यही नोड हमें मिली है। नोड एक का मतलब आप कहोगे ऑड, और ऑड का मतलब मोबियस, इसको याद करोगे मोबियस को याद करोगे, बिल्कुल भैया मोबियस को कर लिया याद। अब मोबियस क्या कहता है कि ये जो सिस्टम 4n होता है, 4n, ये 4n सिस्टम एरोमेटिक होता है, इसका मतलब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की नेचर को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। 4n सिस्टम एरोमेटिक होता है अकॉर्डिंग टू मोबियस। और एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया है अगर एरोमेटिक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऑप्टेन होती है देन द प्रोसेस इज थर्मली अलाउड अदरवाइज फोटोकेमिकली अलाउड। तो एरोमेटिक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ गई 4n सिस्टम के अकॉर्डिंग, 4n है तो मैंने कहा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक, और अगर एरोमेटिक आंसर आता है तो प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। तो देखो ना रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्या आ गया कि 4n सिस्टम के अंदर कौन रोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग कौन सी कंडीशन में होती है, थर्मल कंडीशन के अंदर होती है। लो भैया देखो इधर जो टेबल के अंदर गिवन है वही चीज आ चुकी है, 4n थर्मल, थर्मल कौन रोटेटरी, कौन रोटेटरी, ये लीजिए। अब अगर मान लीजिए आपने इसके अंदर 4n नहीं कराया होता, मान लेते हैं आपने इसमें डिसरोटेटरी करवाया होता, हो सकता है कि भाई हम तो डिसरोटेटरी करवाएंगे, कौन नहीं करवाएंगे, कोई बात नहीं, ये लो यहीं से चेंज कर देते हैं। आपने कौन रोटेटरी नहीं करवाया बल्कि आपने डिसरोटेटरी करवाया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। जैसे ही आप इसके अंदर डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग करवाएंगे, ये लीजिए, तो देखो क्या होगा, डिसरोटेटरी का मतलब एक ऐसे, ये लीजिए। तो अगर मैं इसमें डिसरोटेटरी करवाता हूं
तो देखो क्या हुआ, ये इधर गया प्लस और माइनस, इधर से ये इधर गया रोटेट होके, ये माइनस और प्लस। तो बताइए यहां पर कोई भी नोड बनी क्या? हम कहेंगे आराम से बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रही है, पहले से कोई नोड नहीं थी और नई नोड भी नहीं बनी। इसका मतलब नंबर ऑफ नोड क्या बोली जा रही है, नंबर ऑफ नोड बोली जा रही है जीरो। तो मैं कहूंगा यहां नंबर ऑफ नोड इज जीरो। यदि नंबर ऑफ नोड जीरो है तो इसका मतलब आप किसको याद करोगे? हम कहेंगे हम हकल्स को याद करेंगे। और बताइए हकल्स रूल क्या कहता है? हकल्स रूल ये कहता है कि ये जो सिस्टम है ये कैसा है, 4n सिस्टम। हकल्स रूल कहता है अगर 4n सिस्टम है तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंटी एरोमेटिक बनती है। और एंटी एरोमेटिक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का मतलब प्रोसेस इज फोटोकेमिकली अलाउड। इसका मतलब आपने सिस्टम लिया था 4n, ये लीजिए 4n लिया है भैया, प्रोसेस कैसा करवाया आप लोगों ने? हाँ जी 4n के अंदर प्रोसेस कैसा करवाया आपने 4n में? डिसरोटेटरी। कैसा करवाया? डिसरोटेटरी। देखो और डिसरोटेटरी कौन सी कंडीशन में हुआ? फोटोकेमिकल कंडीशन में, ये लीजिए। और आप इसको टेबल से मिलाओ जरा, 4n सिस्टम में थर्मल कंडीशन में कौन रोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग और फोटोकेमिकल में डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग होती है, ये लीजिए। ये मैंने आपको 4n सिस्टम का एक एग्जांपल देके डिवास पीएमओ अप्रोच को समझाया इन द सेंस ऑफ द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। बताइए कहीं कोई दिक्कत आई आप लोगों को? आई थिंक आपको हर बात मेरी समझ में आई होगी, क्लियर। चलो जी आगे देखते हैं, हम लोग। अब मैं यहां पर 4n सिस्टम ना लेके सपोज 4n प्लस 2 सिस्टम ले लेता हूं और आपको यहां पर इसको भी प्रूव करके बता देता हूं, समझा देता हूं एक बार आपको इसको भी। देखो बड़ा ही आसान है, मतलब ये टेबल ऐसे कैसे बन जानी चाहिए बस, और कुछ नहीं जानते हम लोग, है ना, ताकि हमारे को हर बात क्लियर हो जाए। देखो अब के मैंने यहां सिस्टम ये लीजिए हेक्साट्राइन ली, ये लीजिए। बताओ हेक्साट्राइन का मतलब 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4n प्लस 2 pi सिस्टम हो गया। और हमें पता है 6 pi इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऑब्वियसली कितने एरे अवेलेबल हैं? आप कहोगे भाई इसमें तो साई 1 से लेके साई 6 तक एरे अवेलेबल है, साई 1 से लेके साई 6 तक एरे अवेलेबल है। अब मैंने कहा टेवार्स पीएमओ अप्रोच ये कहता है साई 1 से लेके साई 6 तक आप कोई सा भी एरे सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, साई 1 से लेके साई 6 तक आप कोई सा भी एरे सेलेक्ट कर सकते हो, सही है। तो बताइए कौन सा एरे सेलेक्ट करते हैं? तो मैं साई 1 ले लेता हूं, क्यों उलझे हम लोग, साई 1 सबसे बढ़िया एरे है, फटाफट बन जाता है, एक तो ज्यादा तकलीफ भी नहीं आती और हमें पता होता है पहले से नोड एक भी नहीं है। ये लीजिए ये साई 1 दिया मैंने, एक भी नोड इसके अंदर नहीं होती, जीरो नोड होती है ऑलरेडी, ये लीजिए ये साई 1 दिया मैंने। और मैंने इसमें कौन रोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग करवा दी। अगर मैं इसमें कौन रोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग करवाता हूं, ये लीजिए ये कौन रोटेटरी हुआ, जैसे ये कौन रोटेटरी हुआ देखो क्या रहा, ये लो ये एरे लिया मैंने। देखो ध्यान रखना पहले से कोई नोड नहीं है इसके अंदर, और जैसे आपने कौन रोटेटरी करवाया ये माइनस और ये प्लस हुआ, इधर से ये माइनस और ये प्लस हुआ, और जैसे आपने ये किया आपको एक नोड नजर आई भैया, ये लीजिए। इसका मतलब यहां एक नोड बनी है, तो यहां 1 नोड हमारे को ऑप्टेन हुई। अगर एक ही नोड ऑप्टेन हुई है तो इसका मतलब हम कहेंगे यहां नंबर ऑफ नोड ऑड में है। ऑड का मतलब मैं किसको याद करूंगा? मैं मोबियस को याद करूंगा। और बोलिए मोबियस क्या बोलता है? मोबियस कहता है यार सिस्टम 4n प्लस 2 है, इसका मतलब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट 4n प्लस 2 है, इसलिए एंटी एरोमेटिक होगी। कैसी होगी? एंटी एरोमेटिक होगी, मोबियस है ना, इसलिए उल्टा बोलता है, हकल का ध्यान रखना। और एंटी एरोमेटिक अगर है तो बताइए प्रोसेस कैसा हुआ? प्रोसेस फोटोकेमिकली
अलाउड होगा, ये जो आपने प्रोसेस करवाया है दैट इज कॉन्ट्रोटेट, यही तो है प्रोसेस। तो बताइए आपने सिस्टम कौन सा लिया था, आप कहोगे 4n+2 लिया था सर, राइट। फिर मैंने कहा प्रोसेस क्या करवाया आपने, मैंने कहा कॉन्ट्रोटेटरी करवाया, कौन सी कंडीशन में हुआ, फोटोकेमिकल में, यानी फोटोकेमिकल में कॉन्ट्रोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग होगी। तो देखो भाई देखो, यहां सब कुछ वही आ रहा है, 4n+2 में फोटोकेमिकल कंडीशन में कॉन्ट्रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग क्लोजिंग आ रही है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही चीज चल रही है इसके अंदर। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये हमको सब कुछ आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं, डेवार्स पीएमओ अप्रोच से कर रहे हैं, राइट। अब मैं कहता हूं कि नहीं यार, कौन रोटेटरी नहीं करवाएंगे, आपके तो हम डिसरोटेटरी करवाएंगे। बिल्कुल भैया डिसरोटेटरी करवाओ ना, किसने रोका है आपको, करवाओ जी, या आपने डिसरोटेटरी करवा दिए। डिसरोटेटरी का मतलब होता है, ले लीजिए एक ऐसे और एक ऐसे, ऑपोजिट साइड हो गया ना। चलिए अब मैंने सारे तो ऑर्बिटल बनाने नहीं है, मैं केवल काम का बना लेता हूं। ले लीजिए भाई, जैसे मैं यहां पर डिसरोटेटरी करवाता हूं तो मेरे को यहां ये माइनस और ये प्लस मिलता है, और इधर भी ये माइनस और ये प्लस मिलता है, दैट मीन्स यहां बॉन्डिंग इंटरेक्शन हमारे को दिखाई दे रही है। तो पहले से ये साइमन हम लोगों ने लिया था, पहले से तो कोई नोड थी नहीं, और नई नोड भी हमारे को कुछ नहीं मिल रही, इसका मतलब नंबर ऑफ नोड जीरो है भैया, जीरो। तो मैं लिखूंगा इसमें नंबर ऑफ नोड जीरो, यहां नंबर ऑफ नोड जीरो आएगा, नंबर ऑफ नोड क्या आएगा, जीरो। आगे बात समझ क्लियर, चलिए जी, नंबर ऑफ नोड अगर जीरो आएगा, नंबर ऑफ नोड यदि जीरो आएगा तो बताइए किसको याद करोगे, मैंने कहा हम हकल्स को याद करेंगे, और हकल ये कहता है कि यदि 4n+2 पाई सिस्टम है तो फिर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज एरोमेटिक, तो फिर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एरोमेटिक होती है, क्लियर। अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक है, ये लीजिए यदि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज एरोमेटिक, अगर ये एरोमेटिक है तो भैया प्रोसेस कैसा होगा, आप कहोगे थर्मली अलाउड होगा, प्रोसेस कैसा होगा, थर्मली अलाउड होगा, क्लियर। इसका मतलब 4n+2 के अंदर जब आप रिंग क्लोजिंग कौन से मैनर से कराई आपने, ये डिसरोटेटरी मैनर से कराई थी, सही है। तो डिसरोटेटरी मैनर से जब हम कराते हैं तो प्रोसेस कैसा होता है, थर्मली अलाउड। ये लीजिए ये टेबल वही बन गई जो हमने ऊपर की तरफ लिखी हुई है, बस मैंने ये टेबल बनाई किससे, मैंने ये डेवार्स पीएमओ अप्रोच से बनाई है, और पहले किससे बनाई थी, पहले मैंने ये एफएमओ अप्रोच से बना के आप लोगों को समझाई थी। बताइए डेवार्स पीएमओ अप्रोच जो मैंने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पर अप्लाई करी, ये आपको सभी को समझ में आ गया, बोलो भाई इज इट क्लियर, उतारो फटाफट। अब देखिएगा सेम इसी चीज को अब मैं साइक्लो एडिशन पर अप्लाई कैसे करते हैं ये भी सिखा देता हूं। देखो देखो भाई कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग साइक्लो एडिशन में, इसको सीखते हैं जरा, बहुत ध्यान से समझना, हालांकि सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, सेम इसी पैटर्न से मैं आपको सिखाऊंगा, सेम पैटर्न से। देखो अब हम लोग ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं साइक्लो एडिशन के ऊपर, देखो देखो भाई साइक्लो एडिशन के ऊपर जब हम ये अप्रोच करेंगे, साइक्लो एडिशन के ऊपर जब हम ये अप्लाई करेंगे तो पहले रिजल्ट्स मैं आपको लिख के दे देता हूं, साइक्लो एडिशन के रिजल्ट्स क्या है सबसे पहले हम वो ले लेते हैं। देखिएगा साइक्लो एडिशन के रिजल्ट्स ये होते हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वही 4n सिस्टम और 4n+2 सिस्टम ये लिख के रख लो। 4n और 4n+2 सिस्टम के अंदर मैंने क्या सिखाया है,
एक होती है थर्मल कंडीशन और एक होती है फोटोकेमिकल कंडीशन। थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर हम किस तरह से करते हैं, थर्मल के अंदर फोरेन में कहते हैं सुप्रा एंट्रा और यहां कहते हैं एंट्रा सुप्रा, ये लीजिए सुप्रा एंट्रा या एंट्रा सुप्रा। और बताइए फोटोकेमिकल में फोरेन कंडीशन में क्या कहते हैं हम लोग, दैट इज सुप्रा सुप्रा या एंट्रा एंट्रा, यही कहते हैं। फिर फोरेन प्लस टू के अंदर हम क्या कहते हैं, फोरेन प्लस टू के अंदर थर्मल में कहते हैं सुप्रा सुप्रा या एंट्रा एंट्रा, और फोटोकेमिकल में क्या कह देते हैं, फोटोकेमिकल में कह देते हैं सुप्रा एंट्रा या एंट्रा सुप्रा, ये लीजिए ये सब कुछ हम लोग कहते हैं। आई बात समझ में? अब यही हमारे को प्रूफ करना है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के अंदर कि किस तरीके से ये चीजें हम डेवर्स पीएमओ अप्रोच से समझेंगे, ठीक है। चलिए वो चीज अभी मैं आपको बताता हूं, एक बार उतारो आप लोग इसको देखो, हो गया। ठीक है देखो, अब ये सब कुछ मैं किससे प्रूव करने वाला हूं, ये सब कुछ मैं प्रूव करने वाला हूं डेवर्स पीएमओ अप्रोच से, ठीक है। डेवर्स पीएमओ अप्रोच से प्रूव कैसे होगा इसको जरा आप समझिएगा। डेवर्स पीएमओ अप्रोच के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर, चलो पहले 2+2 को समझा देता हूं। पहले मैंने ये सिस्टम लिया, ये एग्जाम्पल है 2+2 साइक्लो एडिशन का, ये एग्जाम्पल किसका है 2+2 साइक्लो एडिशन का, ठीक है। और 2+2 साइक्लो एडिशन का अगर ये एग्जाम्पल है तो सिस्टम कैसा हो गया, सिस्टम हो गया ये 4N सिस्टम, ये लीजिए राइट। अब मैंने क्या बोला कि 4N सिस्टम अगर ये है, सिस्टम तो आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, कैसे हुआ सिस्टम 4N, 2 और 2 मिला के क्या हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, That is 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 4N सिस्टम, ओके। अब ये 4N सिस्टम जो मैंने लिया, इसमें आप समझना साई 1 से लेके साई 2 एरे तो इसका होता है, और साई 1 से लेके साई 2 एरे इसका होता है। अब दोनों में से कोई सा भी एरे आप ले सकते हो, इसका भी कोई सा भी एरे ले लो, इसका भी कोई सा भी एरे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। सपोज आपने दोनों का ही साइवन साइवन ले लिया, ठीक है, दोनों का आपने क्या ले लिया साइवन साइवन ले लिया, लीजिए ये दोनों का मैंने साइवन साइवन ले लिया, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों का मैंने साइवन एरे ले लिया, ठीक है, ये भी साइवन ले लिया इधर, और इसका भी मैंने साइवन एरे ले लिया। आप समझना इस चीज को, जब दोनों का मैंने साइवन एरे लिया तो देखो इससे क्या इफेक्ट पड़ा, ये आप लोग समझना। दोनों का साइवन एरे लेने पर अब मैं यहां पर सबसे पहले सपोज सुपरा एंट्राई करवाता हूं, सपोज मैं सबसे पहले सुपरा एंट्रा करवाता हूं, ये लीजिए मैंने ये करवाया साइक्लो एडिशन, दैट इज सुपरा और इसका एंट्रा, तो आपने कहा यहां पर यहां जो प्रोसेस हुआ दैट इज द सुपरा एंट्रा, बहुत बढ़िया। जब सुपरा एंट्रा प्रोसेस हो गया तो आप नंबर ऑफ नोड आप कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल करेंगे भैया, नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करेंगे। देखो पहले से तो कोई नोड नहीं थी, ना साइवन में इधर ना साइवन में इधर, जब ये सुपर एंट्रा हुआ तो एक नोड तो इधर बनती नहीं दिख रही है, और इधर एक भी नोड बनती नहीं दिखाई नहीं दे रही है हमारे को, कोई भी नोड नहीं बन रही, इधर एक नोड बनती हुई दिख रही है ये वाली माइनस और प्लस, और यहां कोई नोड नहीं दिख रही, माइनस और माइनस ही है, तो इसका मतलब एक नोड है यहां पे, ये लीजिए। जब एक नोड है तो वो ऑड है, अगर ऑड है तो मोबियस है, करेक्ट, और अगर मोबियस है, अगर मोबियस है तो बताइए मोबियस ये कहता है कि ये जो 4N सिस्टम होते हैं ना, इनमें बनने वाली साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक होती है, कैसी होती है एरोमेटिक, और अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक है तो प्रोसेस कैसा हो गया थर्मली अलाउड, प्रोसेस कैसा हो गया थर्मली अलाउड। तो देखो भाई क्या क्या चीजें हुई, प्रोसेस थर्मली अलाउड है, प्रोसेस क्या था सुपरा एंट्रा था, किसमें था 4N सिस्टम में था, तो बताइए 4N सिस्टम में, यहां लिख देता हूं मैं 4N सिस्टम में
चाहे आप सुप्रा एंट्रा करवाओ या एंट्रा सुप्रा करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर, वो थर्मल कंडीशन के अंदर ऑपरेट होता है। चेक कर लो, फोर एन सिस्टम में सुप्रा एंट्रा साइक्रो एडिशन थर्मली अलाउड होता है। देखो ये प्रूव कर दिया हम लोगों ने, करेक्ट, यही चीज लिखी थी हम लोगों ने यहां। अब सपोज आपने सुप्रा एंट्रा या एंट्रा सुप्रा नहीं करवाया, सपोज आपने तो सुप्रा सुप्रा करवाया। लो भैया मैं अब यहां सुप्रा सुप्रा अप्लाई करता हूं, देखो भाई अब हम यहां सुप्रा सुप्रा अप्लाई करते हैं, समझना। अगर आपने यहां सुप्रा सुप्रा अप्लाई किया तो देखो क्या रहा, सुप्रा सुप्रा अप्लाई होने पर आप इसको ऐसे लिखोगे, ये लीजिए, दैट इज कॉल्ड सुप्रा सुप्रा। आगे बात समझ में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने सुप्रा सुप्रा एडिशन करवाया। जब आप सुप्रा सुप्रा एडिशन करते हो तो नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करोगे इसके बाद, और वो जो नंबर ऑफ नोड्स आई है वो एक नोड तो यहाँ आई है, एक नोड यहाँ भी आई है, तो दो नोड आपको यहाँ पर मिली है। और दो नोड का मतलब क्या होता है, इवन होता है, और इवन के अंदर हम किसको याद करते हैं, हम हकल को याद करते हैं। और हकल क्या कहता है, हकल ये कहता है कि 4n सिस्टम, ये लीजिए कैसा होता है 4n सिस्टम, अकॉर्डिंग टू हकल एंटी एरोमेटिक होता है। तो मैं ये कह दूं कि 4n सिस्टम जो ये है, इसमें बनने वाली साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंटी एरोमेटिक है। और अगर ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंटी एरोमेटिक है तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, फोटोकेमिकली अलाउड हो गया। कैसा हो गया, फोटोकेमिकली अलाउड, इसका मतलब 4n सिस्टम में सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन कैसा होता है, फोटोकेमिकली अलाउड, इसका मतलब ये 4n सिस्टम था, 4n में सुप्रा सुप्रा फोटोकेमिकली अलाउड है। अब सपोज आप सुप्रा सुप्रा नहीं करवाते, आप तो एंट्रा एंट्रा करवाते हैं, कोई खास बात नहीं, ये लीजिए यहां पर की जगह आपने ऐसे कर दिया, बताइए इसने भी अपने दोनों ऑपोजिट फेस से, इसने भी दोनों सिग्मा बॉन्ड ऑपोजिट फेस से बनाए हैं, ये हो गया आपका एंट्रा एंट्रा, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ वैसा ही है, एंट्रा एंट्रा हो गया, ये एंट्रा एंट्रा ले लिया, लेकिन नंबर ऑफ नोड तो अभी भी देखो ये एक और ये एक, यानी कि दो ही है, तो आगे की सारी प्रोसेस वही होगी, इसका मतलब एंट्रा एंट्रा भी इसी का रिजल्ट है, फोटोकेमिकल कंडीशन का। तो बताइए 4n सिस्टम में सुप्रा एंट्रा सुप्रा सुप्रा एंट्रा एंट्रा सब कुछ मैंने प्रूव कर दिया है, थर्मल में क्या होता है, फोटोकेमिकल में क्या होता है। अब हमारे पास सिस्टम कौन सा है, 4n+2 सिस्टम, 4n+2 भी मैं आपको डेवार्स पीएमओ अप्रोच से आराम से समझा देता हूं, देखिएगा कहीं दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अब अगर मैं 4n+2 की बात करता हूं तो मुझे ऑब्वियसली 4+2 साइक्लो एडिशन लेना पड़ेगा, और अगर मैं 4+2 साइक्लो एडिशन लेता हूं तो देखो वो इस प्रकार से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। चलिए मैंने क्या किया, मैंने लिया ये 4π इलेक्ट्रॉन्स, ये लीजिए ये मैंने लिए 2π इलेक्ट्रॉन्स, तो बताइए कौन सा साइक्लो एडिशन है, 4+2 साइक्लो एडिशन है, बताओ ये क्या हो गए, 6π इलेक्ट्रॉन, 6π इलेक्ट्रॉन का मतलब सिस्टम कैसा हो गया, 4n+2 सिस्टम हो चुका है। ये डेवार्स कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिस्टम, और सिस्टम कैसा है, 4n+2 पाई सिस्टम है। अब हमें पता है ये जो डाइईन है ये इसके पास साई 1 से लेके और साई 4 तक के सारे एरे प्रेजेंट है, साई 1 से लेके साई 4 तक के सारे एरे प्रेजेंट है, और इसके पास साई 1 से लेके और साई 2 तक के एरे प्रेजेंट है, साई 1 से लेके साई 2 तक के एरे प्रेजेंट है। आगे बात समझ में, क्लियर। अब देखिएगा भैया यहां क्या हो रहा है, अब मैंने ये कहा कि आप इसका कोई सा भी एरे सेलेक्ट कर सकते हो, इसका कोई सा भी एरे सेलेक्ट कर सकते हो। डेवार्स क्या कहता है, सेलेक्ट एनी एरे ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ द गिवन सिस्टम, जो भी सिस्टम गिवन है उसका कोई सा भी एरे ऑफ पी ऑर्बिटल आप ले सकते हैं। जब कोई सा भी एरे ऑफ पी ऑर्बिटल आप लोग लेंगे
कोई सा भी एरे ऑफ पी ऑर्बिटल आप लोग लेंगे तो मैं इस डाइईन का सपोज साई वन लेता हूं। लीजिए मैंने इसका साई वन लिया, पर साई वन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होती है, बाकी आपके जो भी इच्छा हो ना वो एरे आप लोग ले लो। और इधर भी मैंने मान लीजिए साई वन ले लिया, ले लीजिए ये मैंने साई वन ले लिया इसका प्लस प्लस माइनस माइनस, ये लीजिए। आगे बात समझ में? अब आप देखना, ये आपने इसका भी साई वन लिया डाई इन का और इसका भी आपने साई वन लिया। अब आप यहां पर प्रोसेस अप्लाई करते हो, सपोज आपने दोनों का सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन लिया, ये लीजिए सुप्रा सुप्रा। जब आप दोनों का सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन लेते हैं तो आप नंबर ऑफ नोड ऑफ कैलकुलेट करते हैं, तो नोड्स कितनी आई? जब आप यहां नोड्स कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स आपको यहां माइनस और प्लस एक नोड, ये माइनस और प्लस एक नोड, ये पहले से कोई नोड नहीं थी यानी कुल नोड दो है, तो टू नोड, ये लीजिए यहां पर आ गई। दो नोड का मतलब होता है इवन नंबर में नोड, और इवन का मतलब होता है हम हकल्स को याद करेंगे, बिल्कुल भैया। और हकल्स क्या कहता है कि अगर सिस्टम 4n प्लस 2 पाई है तो फिर ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है वो एरोमेटिक हम लोगों को मिलेगी। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज एरोमेटिक, यानी कि प्रोसेस कैसा हो गया? थर्मली अलाउड हो गया। आ गई बात समझ में? क्लियर? ये बात हुई आप लोगों के 4n प्लस 2 के पहले एग्जांपल की। तो बताओ 4n प्लस 2 का पहला एग्जांपल, 4n प्लस 2 सिस्टम है, करवाया क्या? सुपरा सुपरा। कौन सी कंडीशन में हुआ? थर्मल कंडीशन में। इसका मतलब 4n प्लस 2 में थर्मल कंडीशन में सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन होता है। सपोज आप यहां सुपरा सुपरा नहीं कराते हैं बल्कि आप यहां एंट्रा एंट्रा करवाते हैं, ये लीजिए इट इज कॉल्ड इसका भी एंट्रा और इसका भी एंट्रा, ये लीजिए बोथ दोनों का एंट्रा हो गया। बताइए नंबर ऑफ नोड, ये भी यहां भी नोड है, ये लीजिए और नोड यहां पर भी है। इसका मतलब नंबर ऑफ नोड वही दो आती है जब आप एंट्रा एंट्रा भी करवाते हो, तो दो नोड का मतलब सब कुछ वैसा का वैसा है, ये लीजिए सब कुछ वैसा का वैसा है। चेक कीजिए एंट्रा एंट्रा नंबर ऑफ नोड दो, दो का मतलब इवन, इवन में वही हकल्स में याद करूंगा, हकल कहता है 4n प्लस 2 सिस्टम में बनने वाली साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक होती है, अगर ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक है तो प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा एंट्रा एंट्रा का रिजल्ट भी यही आता है। तो आप देखो जो ऊपर टेबल बना रखी है रिजल्ट लगभग लगभग वैसे ही आ रहे हैं। अब केवल केवल और केवल एक ये और बचा है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको साइक्लो एडिशन का रिवर्स पीएमओ अप्रोच भी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखो अब मैं यहां पर सुपरा एंट्रा कराता हूं, देखो भाई कुछ भी नहीं है, सुपरा एंट्रा कराते हैं। अगर हम यहां सुपरा एंट्रा करवाते हैं तो देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये लिखा हमने, ये लिखिए, ये लिखिए, ये हो गया इधर से सुपरा और इधर से एंट्रा। अगर सुपरा एंट्रा साइक्लो एडिशन है तो देखो नंबर ऑफ नोड क्या आ रही है, इधर कोई नोड नहीं बनी, इधर एक नोड बनी है, तो नंबर ऑफ नोड एक बनती है, एक का मतलब ऑड होता है, और अगर ऑड है तो हम याद करेंगे मोबियस को, और मोबियस क्या कहता है कि यदि सिस्टम 4n प्लस 2 पाई है तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एंटी एरोमेटिक होती है, और यदि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंटी एरोमेटिक है तो बताइए प्रोसेस कैसा हो गया? आप कहोगे प्रोसेस इज फोटोकेमिकली अलाउड, यानी 4n प्लस 2 सिस्टम के अंदर सुपरा एंट्रा साइक्लोएडिशन फोटोकेमिकल कंडीशन में होता है, फोटोकेमिकली अलाउड होता है। तो चाहे आप सुपरा एंट्रा लो या एंट्रा सुपरा लो यही रिजल्ट आने वाला है, बिकॉज नंबर ऑफ नोड वही ऑड नंबर के अंदर हम लोगों को मिलेंगे। तो ये बात हुई आपके साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के अंदर डेवार्स पीएमओ अप्रोच का यूज। तो आपने देखा वही रिजल्ट्स आए हैं जो हम लोग पढ़कर आए हैं एफएमओ अप्रोच के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब मैं डेवार्स पीएमओ अप्रोच सिग्मा टॉपिक पर भी अप्लाई कर देता हूं, एक बार देख लीजिए ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए, ये अपना पूरा डेवार्स पीएमओ अप्रोच बाइंड अप हो जाएगा, आपको 1% कहीं प्रॉब्लम नहीं आई होगी।
हर चीज मैंने आपको समझा दी है। देखो भाई, अब मैं सिग्मा ट्रॉपिक के अंदर समझा देता हूं। तो सिग्मा ट्रॉपिक के अंदर मैं हाइड्रोजन शिफ्ट ले रहा हूं, और ये हाइड्रोजन शिफ्ट के ऊपर रूल चलता है, एल्काइल पे नहीं चलेगा, बिकॉज एल्काइल में तो दोनों प्रकार के साइन होते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। और हम लोग क्या पढ़कर आए हैं ये मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि जो 4N सिस्टम होता है और जो 4N+2 सिस्टम होता है, थर्मल और फोटोकेमिकल, राइट। तो बताओ 4N सिस्टम के अंदर, थर्मल कंडीशन के अंदर एंट्राफेसियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होता है, और फोटोकेमिकल में सुपराफेसियल, 4N+2 में यहाँ सुपराफेसियल होता है और यहाँ एंट्राफेसियल होता है। क्लियर? एक जगह सुपराफेसियल और एक जगह एंट्राफेसियल, ये सब कुछ आपके बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको एक बार 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट का एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। ये लीजिए, अब पहले तो ये बताओ 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट का मतलब सिस्टम कैसा है? 4N सिस्टम है। ये लीजिए, सिस्टम कैसा है? 4N। अब एक बात बताओ, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट का मतलब अपन ये कह दें, ये लीजिए ये आपका एरे आ गया, 1,3 का मतलब यही एरे होता है और यहां पर हाइड्रोजन होता है। अब आप कौन सा एरे लेना चाहते हैं? तो मैंने कहा हम साइवन एरे लेना चाहते हैं। ठीक है भाई, आपने साइवन एरे लिया है, ठीक है, तो आपका ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, ये लीजिए ये आपने ले रखा है, ये साइवन एरे है। ओके, तो यहां पर साइवन एरे में पहले से कोई नोड नहीं है, ये ध्यान रखना, साइवन एरे में पहले से कोई नोड नहीं है। 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट में ये क्या बनाया, समझ गए होंगे आप। ये देखो इधर, ये होता है सिस्टम, ये हाइड्रोजन है, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट इसी में होगा, और ये जस्ट लाइक एलाइलिक सिस्टम, और एलाइलिक सिस्टम का साइवन यही होता है। अब मैं इसके अंदर सपोज सुपराफेसियल करता हूं, सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, क्या करा मैंने, सुपराफेसियल, ये लीजिए भैया सुपराफेसियल हो गया। जैसे सुपराफेसियल मैंने किया यहां, ये लीजिए बीच वाली नोड का कोई मतलब नहीं है मुझे यहां प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये प्लस, और ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, बीच की आप बनाना चाहो बना लो, ये लीजिए प्लस और माइनस। मुझे बताइए आपको कहीं भी नंबर ऑफ नोड दिखाई दे रही है? आप कहोगे भैया बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, तो नंबर ऑफ नोड यहां पे जीरो हो गई, ये लीजिए नंबर ऑफ नोड जीरो हो गई, नंबर ऑफ नोड जीरो हो गई, तो मतलब कि मैं यहाँ हकल्स रूल अप्लाई करूंगा। और बताइए हकल्स क्या कहता है, सिस्टम कैसा है? 4N सिस्टम है, 4N सिस्टम है, और अगर ये सिस्टम 4N है तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंटी एरोमेटिक होगी। अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंटी एरोमेटिक है तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो फोटोकेमिकली अलाउड होगा। बिल्कुल भैया फोटोकेमिकली अलाउड हो गया। तो बताइए सिस्टम कैसा है? 4N सिस्टम है। प्रोसेस आपने क्या करवाया था? सुपराफेसियल करवाया था। कैसा हुआ? फोटोकेमिकली अलाउड। तो देखो 4N सिस्टम है फोटोकेमिकली कंडीशन में और सुपराफेसियल, देखो प्रूव हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आप इसको एंट्राफेसियल कराते तो यहां से यहां आते, यहां से यहां आते तो एक नोड बनता, एक नोड बनता तो आउट होता, आउट होता तो आप मोबियस पे जाते, मोबियस सिस्टम कहता है 4N क्या होता, एरोमेटिक, एरोमेटिक होता तो थर्मली अलाउड, थर्मली अलाउड का मतलब थर्मल कंडीशन में एंट्राफेसियल हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से रिवर्स पीएम अप्रोच वर्क करती है, बिल्कुल इसी तरह से आप 4N+2 सिस्टम 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट का एक एग्जांपल लेना, उससे प्रूव कर देना थर्मल में सुपरा होगा और फोटोकेमिकल में एंट्राफेसियल से ट्रॉपिक शिफ्ट होगा। ये बात हुई आज हमारे रिवर्स पीएमओ अप्रोच की। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम मेथड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के और साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।